मुंबई की राखियों से सजा बाजार। अलीगढ़ में यात्री हो रहे परेशान, बाईपास से गुजर रही रोडवेज बसें। बैलगाड़ी से विधानसभा जा रहे सफाइयों को पुलिस ने रोका, मुख्यमंत्री बोले उम्मीद है सार्थक चर्चा होगी। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत ने जताई चिंता, कहा महिलाएं पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे। बिहार से वाराणसी दिल्ली जाना अब होगा आसान, अगले महीने से शुरू होगा शानदार ब्रिज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जब पुलिस ने सर्विलेंस के माध्यम से बीती 10 अगस्त से अपहृत एक 7 वर्षीय बच्चे वंश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बांगोवाली गांव के जंगल में टारगेटिंग अभियान चलाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस टीम के 2 कांस्टेबल हरेंद्र और सोनू बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश दीपक, सुनील और मोहित भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से 1 मस्कट, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल के पास ही बंद पड़े एक ईंट भट्टे के कमरे से अपहृत बच्चे वंश को भी सकुशल बरामद कर लिया है। ये थाना मंडी क्षेत्र में एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 6-7 वर्ष थी, सूचना मिली थी कि वो 10 तारीख से ही अपने घर नहीं पहुंचा है, और सूचना मिलते से ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई थी। पुलिस ने टीम लगा दी थी कि बच्चा कहाँ गुम हो गया है, और पिछले 2-3 दिन से इसी काम में लगी हुई थी। आज सुबह ही ये सूचना मिली थी कि जो बच्चे को ले गए थे उन्होंने कुछ रैंसम भी डिमांड किए फैमिली वालों से, और फिर सर्विलांस के थ्रू और जो भी लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी टीम यहाँ लगी हुई थी, और अभी रात ही में सूचना मिली थी और सर्विलांस से भी लोकेशन आ रहा था कि बागोवाली के आसपास इन लोगों का लोकेशन है। पुलिस टीम ने एरिया को घेरा और कॉम्बिंग वगैरह की, और कॉम्बिंग करते समय एक भट्टे के जो कि बंद पड़ा था वहाँ से बदमाशों ने कुछ राउंड फायर किए और पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें जो 3 बदमाश थे उनके पैर में गोली लगी, पुलिस के भी 2 लोगों को गोली लगी, और उसके पश्चात पुलिस ने आसपास के एरिया को ढूंढा जहाँ पे एक भट्टे में बंद जो कमरा था उसमें बच्चा जो कि जिसका नाम वंश है वो मिल गया है, और जो पुलिस वाले और जो 3 बदमाश है तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए, और अभी आगे की जानकारी की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग थे, और इसमें हम उसी के हिसाब से आगे विधि कार्रवाई करते हैं। क्या बदमाशों की कोई पहचान हो पाई है सर? 3 लोग हैं अभी तक की जानकारी में मिला है, जो दीपक और सुनील और मोहित। दीपक और सुनील कुटबी गांव के रहने वाले हैं, मोहित शाहपुर का रहने वाला है, और अभी इनसे हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने किस की सूचना पे या किस मोटिव पे ये बच्चे का अपहरण किया। सर इस गुरुवर को कैसे देखते हैं? ये काफ़ी प्रशंसनीय है, खासकर मंडी पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा, क्योंकि 3 दिन से ये टीम लगी हुई थी, और इसके पीछे क्योंकि 6 साल का बच्चा था, कोई मोबाइल वगैरह इसके पास नहीं था, लेकिन काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज देखी गई, नंबर्स के बारे में जानकारी दी गई, और अल्टीमेटली इसमें सक्सेसफुल रहे बच्चे को बरामद कर। क्या कोई टीम को कोई रिवार्ड वगैरह दिया जाएगा सर? बिल्कुल, टीम इसके लिए रिकमेंड किया जाएगा, और जो भी अच्छे अधिकारी इसके लिए रिवार्ड देंगे वो हम इसमें। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। शिवलाल प्रसाद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, डीडी भारती समाचार, महाराजगंज की तरफ से देशवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की एवं सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नटवर कुमार गोयल, युवा समाज सेवी, नगर पंचायत ब्रजमनगंज की तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
विष्णु जायसवाल अध्यक्ष कोटेदार संघ विकास खंड ब्रजबंधगंज की तरफ से देशवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी डॉक्टर शाबना त्रिपाठी की तरफ से देशवासी को स्वतंत्रता दिवस मुहर्रम रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष जायसवाल नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नौतवा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जन आशीर्वाद यात्रा के महानायक माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के महाराजगंज प्रथम आगमन पर राकेश जैसा जायसवाल भावी नगर पंचायत प्रत्याशी ब्रजबंधगंज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत एवं नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के महाराजगंज के ऐतिहासिक स्थल पर प्रथम आगमन पर आशीष जायसवाल महाप्रबंधक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ब्रजबंधगंज अध्यक्ष व्यापार मंडल ब्रजबंधगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के महाराजगंज के गर्जनी पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन अशोक पटवा ग्राम प्रतिनिधि फुल मनहा ब्रजबंधगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के महाराजगंज के सरजमी पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हरीश चंद्र सोनकर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजबंधगंज महाराजगंज की तरफ से स्वतंत्र दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जमाल अहमद की तरफ से देशवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस मुहर्रम रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम कश्यप जिला कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी फरुखाबाद की तरफ से जनपदवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर गौरव समाजसेवी चिलसरा रोड फरुखाबाद की तरफ से देशवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाध्यापक अमरुद्दीन सहायक अध्यापक कैलाश चंद उच्च प्राथमिक विद्यालय भूल गुलाबपुर ब्लॉक शमशाबाद फरुखाबाद की तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन मुहर्रम एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मानसिंह निकट मंजना रेलवे स्टेशन फरुखाबाद की तरफ से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन कुमार गुप्ता कोटेदार याकूतगंज फरुखाबाद की तरफ से देशवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनारायण ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मिश्र ग्राम रेहा करणपुर ब्लॉक बड़पुर फरुखाबाद की तरफ से देशवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के फरेंदा विधानसभा में प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन बजरंग बहादुर सिंह विधायक फरेंदा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के महाराजगंज की सरजमी पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन दिलीप गुप्ता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत शबा चौराहा विकास खंड ब्रजबंधगंज महाराजगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद
एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के महाराजगंज की ऐतिहासिक भूमि पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कमलेश पांडे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रबंधक लाड कृष्णा डिग्री कॉलेज भगवतपुर ब्रजमनगंज जिला महाराजगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पंकज चौधरी जी सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के महाराजगंज की ऐतिहासिक भूमि पर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नंदे सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रजमनगंज महाराजगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य युवा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।